नमस्कार, जय हिंद। जयपुर वॉइस में मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन के जो गुजरात दौरे पर हैं, उन्होंने कई जगह पर प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं। माता सती के आज मंदिर भी गए थे, वहाँ आशीर्वाद लिया है उन्होंने। और जो ये 2 दिन का दौरा है उनका, वो तैयारियां जो राष्ट्रीय महाअधिवेशन होने वाला है 25 तारीख को, उसकी तैयारियां और रूपरेखा, सारी जो बातें हैं उनको सेटल करने और पूरे के पूरे प्रोग्राम की किस तरीके से जो सारा सिस्टम होगा उस बारे में बातें करने के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। और प्रदेश कार्यालय जो राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का है, वहाँ पर ये राष्ट्रीय महाअधिवेशन होगा श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा। और जहां तक खबर है, जो कर्णी सेना के बड़े बड़े सभी पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं चाहे प्रदेश पदाधिकारी हैं, वो लगभग सभी के मौजूद रहने की इसमें पूरी की पूरी उम्मीद है। और सभी से कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी मास्क पहनकर और जिस तरीके से वहाँ पर सारी की सारी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जो गाइडलाइंस है उनको पालना करते हुए और इस राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय जो कि विद्वल प्लाजा कॉम्प्लेक्स होटल शेखावत पैलेस के अंदर होगा ये। और राज शेखावत जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ अभी जो ये 2 दिन का दौरा है उसमें जगह जगह पर जा रहे हैं, लोगों से वार्ताएं हो रही हैं और जो पदाधिकारी हैं उनसे भी सभी से इस बारे में वार्ताएं हो रही हैं कि किस तरीके से वो सभी लोग इस बारे में आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे और महाधिवेशन में किन किन बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी, किस किस बात को लेकर सारी बातें उठाई जाएंगी, वो सारी बातों की चर्चा हो रही है कि महाधिवेशन में किन मुद्दों को लेकर कर्णी सेना अपने इस महाधिवेशन को सफल बनाए और समाज में किस तरीके परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरीके से वो अपने संगठन में आगे और जो कुछ अगर कमी है तो उसको पूरा कर सकते हैं। बाकी की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।